blocks of 30 centimeter side has a thickness of 5 centimeter. If 4 kg of ice is put in a box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. So, आपको ये बताना है कि अगर आइस जो हीट है वो बाहर से अंदर आ रही है, आपको ये बताना है कि उस केस में आइस कितनी बच गई. जब हीट बाहर से अंदर आएगी तो आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में कितनी आइस बच गई. बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस है. सो इसमें आपकी जो हीट है वो आउटसाइड से इनसाइड ट्रेवल कर रही है, आइस की तरफ ट्रेवल कर रही है. ठीक, तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आइस, अगर मैं ये बता दूं कि 4 केजी आइस है, गिवन 4 केजी आइस है, 4 केजी आइस अगर सपोज मेल्ट हो जाए और कितनी मेल्ट हो जाए वो मैं निकाल दूं तो रिमेनिंग का आप आंसर निकाल दोगे. ठीक, और आइस अगर m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो जाए तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं कि उसको हीट कितनी रिक्वायर्ड है, q इज इक्वल टू ml, ml मेल्ट हो जाए तो उस केस में q इज इक्वल टू ml अप्लाई करेंगे. कहां से आ रहा है q, बाहर से आ रहा है, बाहर से सराउंडिंग से आ रहा है q, तो q इज इक्वल टू ml से हम क्या करेंगे, q इज इक्वल टू ml से हम q निकालेंगे पहले. और q कैसे, q कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है और कितना बाहर से आ रहा है, q इज इक्वल टू k इनटू a, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे एरिया में से आ रहा है, इनटू टेंपरेचर डिफरेंस 45 माइनस 0. ठीक, और इनटू टाइम t डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, थिकनेस, क्योंकि जो उसकी मोटाई होगी उसमें से हीट को आगे क्या करना है, क्रॉस करना है, उसकी जो मोटाई होगी वो कितनी है, उसकी थिकनेस टी. तो आपको जो एरिया है, एरिया कितने बाई कितने का क्यूब है, साइड कितनी है 30, तो एरिया की जगह 30 इंटू 30 कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. और जो डी डिस्टेंस है उसकी जगह क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर कर देंगे, जो डी डिस्टेंस है उसकी जगह हम 5 सेंटीमीटर कर देंगे. ये समझ आ रहा है यहां तक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया और डिस्टेंस में हमने थिकनेस को लेना है, ये थिकनेस की कितनी वैल्यू, पॉइंट इज क्लियर. तो यहां से क्यू की, और हाँ कितने टाइम के लिए प्रोसेस चल रहा है, कितने घंटे के लिए, 6 इंटू 60 इंटू 60. ठीक है, यहां तक 6 इंटू 60 इंटू 60. तो यहां से क्यू आ गया और क्यू मस्ट बी इक्वल टू वॉट, एम टाइम्स एल, क्यू इज इक्वल टू एम एल. ठीक है यहां तक, और यहां से क्या जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी. एक चीज का ध्यान रखना, अगर मास, अगर जैसे l की वैल्यू, लेटेंट हीट की यूनिट्स क्या हैं, जूल्स पर ग्राम, देखो यूनिट्स थोड़े गलत है, एक जूल की बात कर रहे हैं, फिर केजी नहीं, फिर ग्राम की बात कर रहे हैं, जूल तो ऐसा ही यूनिट है. तो आपको क्या करना है, आपको ग्राम नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जूल पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल पर ग्राम नहीं, जूल पर केजी. पहला पॉइंट सबको क्लियर है, जूल पर केजी. अब उस केस में जो मासेज हैं वो भी ग्राम में नहीं चलेंगे, अब मासेज किस में चलेंगे, केजी में चलेंगे. तो अगर सब कुछ ऐसे चल रहा है तो एरिया भी फिर सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, एरिया भी किस में चलेगा, मीटर स्क्वायर में चलेगा. तो जो सेंटीमीटर है उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, जो ग्राम है उसको कन्वर्ट कर लेना केजी में, एंड जो बस सफिशियंट है, बस केजी और अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे कन्वर्ट, तो हमारा आंसर सही है. यूनिट्स का ध्यान रख लेना. तो यहां से m निकाल लोगे, m का मतलब मास मेल्टेड,
जो भी आंसर आएगा उसको 4 केजी में से क्या कर लेने, समझ आ रहा है यहां तक कॉन्सेप्ट, सबको समझ आ रहा है इसमें क्या किया आपने। तो इसमें सबसे पहली चीज हमने इसमें क्यू निकाल लिया और दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। जब आप क्यू निकालोगे तो आपका आंसर ये आएगा, एम इंटू एल लेटेंट हीट जो है वो 335 जूल पर ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 335 इंटू 10 की पावर 3 कर लिया जूल पर केजी, यहां पुट कर दिया मास आ गया और फाइनली कितनी आइस बच गई। यहां तक क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, यहां कैलकुलेशन कर लेना कोई बात नहीं, मेथड इज क्लियर। टेम्परेचर मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पड़ी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है कुछ अमाउंट ऑफ आइस गिवन है और 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी पड़ा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि मैं इसके मिड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, मैं कहां पर 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करूं, क्योंकि जहां पर भी मैं 200 डिग्री सेल्सियस काफी हाई टेम्परेचर है मेंटेन करूंगा कहां करूं, टोटल लेंथ 150 है तो लेट्स से मैं एक्स डिस्टेंस पे करूंगा फ्रॉम ए सच दैट हीट विल मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो 200 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रेवल करेगी जीरो पे और यहां से 200 डिग्री सेल्सियस से हीट मूव करेगी 100 पे, ज्यादा क्लियर है। तो कुछ हीट लेफ्ट में जाएगी कुछ हीट राइट में जाएगी, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो हीट लेफ्ट में जाएगी उस या जो हीट राइट में जाएगी उस हीट से आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी U = ML और जो हीट 200 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी उससे गर्म पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में ये बताना है कि मैं इस 200 डिग्री सेल्सियस को कहां मेंटेन करूं सच दैट आइस का मेल्ट होने का रेट, रेट मींस अमाउंट ऑफ जो आइस जो मेल्ट हो रही है पर सेकेंड एम अपॉन टी, तो आइस का मेल्ट होने का रेट और स्टीम बनने का रेट एग्जैक्टली सेम हो, एम अपॉन टी लेफ्ट में एम अपॉन टी राइट में सेम।
ट्रांसफर करवा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से यहां और यहां से यहां। पहले राइट साइड की बात करते हैं, के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का एग्जैक्टली सेम है, ए इनटू टेम्परेचर डिफरेंस बोलो 200 माइनस 0 इनटू टी, अभी रुक जाओ एक मिनट, और चलो यहां लगा ही लेता हूं टी, कोई बात नहीं टी, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है 150 माइनस, और यहां पर आइस पड़ी हुई है, लेट से मास ऑफ आइस पड़ी हुई है इनटू इनटू व्हाट मास ऑफ आइस है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, जो हीट 200 डिग्री सेल्सियस से जीरो पे जा रही है, इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन क्यू इक्वल टू एमएल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है के ए ए, अब टेम्परेचर डिफरेंस बोलो 200 माइनस 100 इनटू टाइम टी डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू लेट से मास ऑफ वाटर एम टू है इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। यहां तक आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं पहले टाइम नहीं लिख रहा था ना, तो ऐसा करता हूं मैं इस टाइम को ना इसके नीचे ले जाता हूं, और इस टाइम को जो यहां पे टाइम लगा हुआ है इसको मैं इसके नीचे ले जाता हूं, एक ही बात है कि क्वेश्चन में गिवन है एम वन अपॉन टी की वैल्यू और एम टू अपॉन टी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब मास कितना आइस में कन्वर्ट हो रहा है पर सेकेंड, मास कितना स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है पर सेकेंड, ज्यादा क्लियर है। तो आपने क्या किया, इसमें इक्वेशन बना ली, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एम बाई टी से एम बाई टी कैंसिल हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में पता है, वेपराइजेशन आपको पता है, नहीं पता तो एटी और 540 स्टैंडर्ड है, यहां से एक्स निकाल लेना आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में करना कैसे है। आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे, x की वैल्यू आ रही है कितनी 10.4, x की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 10.4, ठीक। नाइन थर्टी पे आपकी एडवांस क्लास है, 9:30 टू 11, आप 11 o'clock टेस्ट लेना चाहिए,
मिनट जो लेट आना चाहते हैं वो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट लेट शुरू कर लूंगा ताकि आप जो थोड़ा 10 मिनट का गैप होगा वो आपका पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं आपका टेस्ट अरेंज कर लूँगा, थोड़ा सा कोई इंसान आपके टेस्ट वाले यहाँ जो 11 मिनट होंगे तो ऐसा होगा दूसरे बैच में जो स्टूडेंट्स होंगे वो उस बैच में नहीं होंगे, आपके वाले बैच में नहीं होंगे, दूसरे बैच में होंगे। दो बैच हैं तो फिर दूसरे में दे देना, फिर वैसे कर लेना, फिर आप दूसरे में दे देना, कभी नहीं उन्होंने बताया होगा, नहीं तो बता देते, ऐसी बात नहीं है। चलो अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम देखो अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। टाइम टेकन बाय लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन। एक चीज समझ लो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो टाइम के साथ अपनी हीट को रिलीज करती है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कितनी देर में उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, जिसको मैं कल इसका प्रूफ करवाऊंगा कि ये कहां से आया फॉर्मूला। अभी आप एक फॉर्मूला नोट करो, ये फॉर्मूला है क्या, कैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर डी थीटा मींस चेंज इन टेम्परेचर, थीटा मींस एवरेज टेम्परेचर, एंड थीटा नॉट मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो ये तीन टेम्परेचर्स आपने दिमाग में रखने हैं। अब केस नंबर वन है, कितना टेम्परेचर है इनिशियल 70 से कितना हो रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम में हो रहा है इन टाइम 5 मिनट। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये फॉर्मूला कहां से आया मैंने बताया, मैं कल कराऊंगा। डी थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में क्या लिखेंगे 70 माइनस 60, कितने टाइम में 5 मिनट, इज इक्वल टू के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर इज 60 बाय 2, एंड क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन है कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो थीटा नॉट की जगह वी कैन पुट 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। यहां तक सेकंड इक्वेशन आपने बनानी है, इसमें सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपका केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में 60 डिग्री सेल्सियस से कहां पे लेके जाना है 50, और टाइम निकालना है, यही क्वेश्चन है ना, तो इसका आपको टाइम निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालो 60 माइनस 50 बाय टाइम की जगह टी इज इक्वल टू ए टाइम्स एवरेज टेम्परेचर कितना है 60 50 बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर लेना, ए से के कैंसिल हो जाएगा, टाइम की सीधी वैल्यू आएगी मिनट्स में। पॉइंट क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, और इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि जब चीजें ठंडी होती हैं एनर्जी एमिट करती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो स्टीफन्स लॉ की एप्लीकेशन होने वाली है, टेम्परेचर के साथ एनर्जी एमिट होगी, तो वहां से यूज करके हम इसको अल्टराइज करेंगे न्यूटन लॉ साथ में निकालेंगे। चलो
हैं। अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो मैं आज शीट्स को अपलोड भी कर दूंगा वैसे, और मैं प्रिंट आउट भी नेक्स्ट टाइम दे दूंगा ताकि आप होमवर्क कर सको। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी ऐसे डिस्कस करके फायदा नहीं है कि मैं शुरू हो जाऊँ 1, 2, 3, 4, क्योंकि टाइम लगता है इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में। आप पहले ट्राई करके आना और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं इसको डिस्कस करूँगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, और जो SHM है, मतलब जिसे बोलते हैं कि वन ऑफ दी मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर बोलूंगा फिजिक्स का, मतलब एक बार फिर से ध्यान से रोटेशनल मोशन के बाद यही एक चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कोर फिजिक्स को बिलोंग करता है, और कोई भी जो जिसे बोलते हैं कि आगे जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं SHM में आके आपका फंस ही जाएगा अगर आपको SHM आता नहीं है। मतलब प्लस टू में आप जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में SHM कम यूज होता है, जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है उसमें SHM तो बार बार इसे तो आने ही आने। ठीक, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और काम करोगे बाहर स्टूडेंट्स हैं उनको कहना जरा पढ़ रहे हैं बाहर ना, एक चला जाए। देखो, तो अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मेरे पास एक डेफिनेशन नहीं है SHM को बताने की, ये SHM है ठीक, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी लंबी है, ऐसे आपको एक बारी में समझ भी नहीं आएगा कि अच्छा ये SHM है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ अगर बताऊं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले एक और मोशन आनी चाहिए जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन तो बड़ी सिंपल है, और हमने की हुई है पीरियोडिक मोशन, हमने कैसे की हुई है, एक चैप्टर किया हुआ है हमने पीरियोडिक मोशन का, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करते क्या थे, टाइम पीरियड टी था, ओमेगा था, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वो सारा कुछ हमने किया। ठीक, तो देखो आगे आ जाओ, पीछे जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जरूरी नहीं कि इकट्ठे बैठना है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। देखो सबसे पहले देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैं भी एग्जांपल दे रहा था SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंपेयर कर रहा हूं पीरियोडिक मोशन के साथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब तक नहीं आएगा जब तक आपको पीरियोडिक मोशन नहीं आएगा, और वन ऑफ द बेस्ट पीरियोडिक मोशन आपको आता है जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल किसमें मूव करता है ना, सर्कल, और टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है उस सर्कल का, जो टाइम पीरियड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट है, एक चक्कर कैपिटल टी टाइम में, दूसरा चक्कर भी कैपिटल टी टाइम में, तीसरा चक्कर भी कैपिटल टी टाइम में। ठीक हो गया यहां तक। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं, मैं वहां जाता हूं उस दीवार को टच करके वापस आता हूं, और सपोज मैं फिर से जाता हूं उस दीवार को टच करके मैं फिर से वापस आता हूं, एंड सो ऑन, और हर जो मैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और वापस आ रहा हूं, लेट्स से टाइम टेकन कितना है टी, मैं फिर गया मैं वापस आया, अगेन टाइम टेकन इज टी, तो यानी कि मेरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ये चीज क्लियर है, मेरी जो मोशन है इट इज अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन मेरी मोशन SHM नहीं है। अब आप कहोगे कि पहले डेफिनेशन तो बताओ व्हाट इज SHM, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि व्हाट इज पीरियोडिक व्हाट इज SHM मोशन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, यहां पे मैंने मास लगाया m, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड किया यहां तक और छोड़ दिया, स्प्रिंग यहां तक आया, फिर मीन ये एक्सट्रीम पोजीशन है, स्प्रिंग एक्सट्रीम पे आया, मीन पे आया, फिर स्प्रिंग क्या हो गया कंप्रेस हो गया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे आया, फिर स्प्रिंग यहां पर आया और फिर यहां पर आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया, क्योंकि स्प्रिंग अगर यहां से चला था तो ये पूरा घूम के वापस आ गया। यहां तक क्लियर है? तो लेट से स्प्रिंग एक पॉइंट से चलता है, किसी पॉइंट को टच करके वापस आता है, टाइम टेकन कैपिटल टी, फिर चलता है टच करके वापस आता है, टाइम टेकन कैपिटल टी, तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, लेकिन अब आप देखो मैं एक और डेफिनेशन लेके आ रहा हूं, ये SHM में भी है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है, वह आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें तो SHM पता ही नहीं, तो हम कैसे बताएं कि पीरियोडिक मोशन भी है और SHM भी है, और पहले केस में पीरियोडिक मोशन है लेकिन SHM भी नहीं है। इसका मतलब जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता लगेगी SHM की, तब तक आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी पीरियोडिक मोशन SHM है, कौन सी पीरियोडिक मोशन SHM नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? तो एक चीज यहां से आपको शायद आइडिया पता लग रहा होगा मेरी इस बात से कि SHM से पहले पीरियोडिक मोशन आएगी, और पीरियोडिक मोशंस, कुछ पीरियोडिक मोशंस सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं और कुछ नहीं भी हैं। ठीक, तो मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, सारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस पीरियोडिक तो होंगी ही होंगी, मतलब दुनिया के जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं या दुनिया की सारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं वो पीरियोडिक तो होंगी ही होंगी, लेकिन सारी पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशंस नहीं होंगी। क्लियर है? तो SHM तो मैंने आपको बताया नहीं, पर कम से कम आपको एक आइडिया दे दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल कैटेगरी है, जो पीरियोडिक तो है ही है लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा और है उसमें, और वो चीज क्या है मैं बाद में बताऊंगा। आज तो स्टार्ट ही नहीं होगा SHM, भूल ही जाओ। SHM तो अगली बार स्टार्ट होगा, मे बी अगली बार भी स्टार्ट ना हो, बस हम मैथ से ही खेलते रहेंगे, प्लस माइनस करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर जब SHM स्टार्ट होगा बस विद इन 40 मिनट्स खत्म भी हो जाएगा। मतलब इतने बेसिक्स इसके क्लियर होने चाहिए, नहीं तो SHM समझ नहीं आएगा। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है SHM की। इसके बाद जो यूनिट है आपका वो वेव्स है। SHM एंड वेव्स दो ही रह गए हमारे। वेव्स का मतलब क्या होता है? वेव्स इज डिस्टर्बेंस इन नेचर, नेचर की डिस्टर्बेंस है, और डिस्टरबेंस किसकी? पार्टिकल्स की। जैसे स्टेडियम में बैठे हुए हैं और हमने डिसाइड किया हम एक वेव बनाएंगे, मैक्सिमम वेव बोलते हैं जिसे, तो स्टेडियम के अंदर लोग खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें वेव मूव कर रही है। ठीक है यहां तक? तो कोई स्टेडियम में भागना शुरू नहीं कर रहा जिससे कि वेव जनरेट हो रही है, अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रही है। ठीक है यहां तक? ऐसे ही मीडियम के अंदर पार्टिकल्स भी ऐसे मूव करते हैं, भागते नहीं है, जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे यहां पर पड़ा हुआ है ऊपर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो उस केस में अगर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पीरियोडिकली मूव करता है। ऐसे नहीं है कि इसकी मर्जी है ये खड़ा हो गया बैठ गया, फिर इसकी मर्जी है ये कहते मैं नहीं खड़ा होता। ऑब्वियसली फिर वेव कैसे जनरेट होगी? स्टेडियम में ऐसे जनरेट होती है वेव के, अगर ये खड़ा होकर बैठेगा, जैसे ही बैठेगा इसको खड़ा होकर बैठते हैं, जैसे ही बैठेगा इसको खड़ा होकर बैठते हैं, एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इसका मतलब पीरियोडिकली सबको खड़ा होकर बैठते हैं, और हर एक, मान लो हम डिसाइड करते हैं कि वेव पूरा स्टेडियम घूम के 3 मिनट में वापस आती है, तो पूरे 3 मिनट के बाद मेरे को खड़ा होकर बैठते हैं, हर पार्टिकल को 3 मिनट के बाद खड़ा होकर बैठते हैं, तभी वेव जनरेट हो पाएगी, नहीं तो आपको दिखेगी कैसे सिमेट्रिकल वेव कैसे चल रही है। तो इसका मतलब पार्टिकल की मोशन जो है ऊपर नीचे, इट इज अ पीरियोडिक इन नेचर। ठीक, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, वो पीरियोडिक ही नहीं है, वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेव के अंदर कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ही है। ठीक, यानी कि वेव डिस्टर्ब हो जाएगी और वेव का चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपको SHM नहीं आएगा। समझ आ गया? सिर्फ यही नहीं, फिर जब प्लस टू में होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्टिंग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बड़ा आसान चैप्टर है लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वो क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें प्लस वन के कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। मैं बताता हूं, जैसे क्या करेगा, एक चार्ज लेगा और स्प्रिंग के कोने में एक चार्ज लगा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कर देगा, चार्ज अंदर चला जाएगा, फिर चार्ज इधर जाएगा, पीरियोडिकली मूव करेगा और कहेगा कि देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि नहीं बताओ। अब क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है चार्ज का, लेकिन पूछ क्या रहा है? SHM। फिर फंस जाओगे, तब कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आता, मैं प्लस टू नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या करवाते हैं प्लस टू में, प्लस टू कहां से समझ आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो समझ आ रहा है, प्लस वन में प्रॉब्लम है। यानी आपके कुछ कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी रुक जाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ यही तक बात नहीं है, एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज अ वेव। अब वेव मीन्स अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो
तो अगर हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेव्स को स्टडी कर रहे हैं, और वेव्स के अंदर पार्टिकल्स हैं, उनमें कुछ फेजेस हैं, उनमें कुछ एंगल्स हैं, वो भी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, यानी वेव ऑप्टिक्स भी आपका जाएगा। एक चैप्टर है प्लस टू के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे फंस जाओगे, क्योंकि उसमें भी वेव्स का कॉम्पोनेंट यूज होता है, फेजेस यूज होते हैं, आपको वो भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको वेव्स और ऐसे चिप नहीं आता। और यही नहीं, एक और चैप्टर है प्लस टू में प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जैसे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है एक वेव ट्रेवल करती है मोबाइल फोन में जिससे हम बात कर रहे हैं, वेव फिर से फंस जाओगे, और जहां जहां ये टर्म्स आती जाएंगी वहां वहां आपको इरिटेशन होती रहेगी कि हमें ये चीज फिर से समझ नहीं आ रही और हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं है, लोग कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन आता है जी कॉम्पिटिशन में, एक कहाँ आता है, इसके ऊपर तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही चल रही है, तो इसके इसके बिना जो फिजिक्स, और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, कमाल की बात तो देखो अगर आप में से किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली तो क्या करेगा, पूरे चार साल पिस्टन इनसाइड आउटसाइड पीरियोडिक इन नेचर, वो SHM में फंस जाएगा वहां जाके, फिर उसे लोग पूछेंगे कि प्लस वन कहां से करके आया था, अब मेरा नाम लोगे तो मेरा नाम भी खराब करोगे, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो स्पेशली जरा ध्यान रहे, और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी वेव्स के साथ काम, सिग्नल्स वेव्स है, और रेजोनेंस होती है, तो जो आपका आपकी जो वेव जनरेट होती है वो रेजोनेंस में होती है, मीन्स उसमें पीरियोडिक वेव जनरेट होती है, तो वहां पर भी फंस जाओगे आप पास में। ब्रिज है, सिविल इंजीनियर क्या करेंगे, ब्रिज है ऊपर नीचे मूव कर रहा है पीरियोडिकली, ऐसे बात समझ में आई। तो यानी कि पूरी इंजीनियरिंग ना, आप मानो या ना मानो, आप यही अटकी रहेगी, अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो समझो आपका जो बेस रह गया ना वो वीक रह गया। तभी तो बोलते हैं एक रोटेशनल मोशन, लेकिन मोशन हर जगह है, और दूसरी SHM और वेव्स, इनके बिना कोई इंजीनियरिंग पूरी नहीं होने वाली, ठीक। तो कर लें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं वेव्स आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैंने बताया आज नहीं हम करेंगे, आज हम सिंपली पीरियोडिक मोशन करेंगे, ठीक। तो देखो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक वो मोशन है जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपनी आपको क्या कर लेगी, रिपीट करेगी। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने ये डिसाइड किया कि सपोज ये मेरी मीन पोजीशन है, सपोज मैं यहां पर खड़ा हुआ था, मेरी मीन पोजीशन है, और मैंने इस तरफ जाना है, इधर जाने के बाद मुझे घूम के इधर जाने और फिर यहां आना है, चलना मुझे रोड पे ही है, तो मैं पहले यहां पर था जीरो डिस्प्लेसमेंट, फिर 0.1 डिस्प्लेसमेंट, 0.2 डिस्प्लेसमेंट, 0.5 डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो कितनी है, 1 होगी। फिर मैं वापस आना शुरू हो गया 1.9.8.5.2.10, फिर मैं उल्टी तरफ चलना शुरू हो गया -0.1 से 0.5 से लेके -1 से वापस 0। अब मेरा एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, जीरो से चला था, इधर भी टच कराया, उधर भी टच कराया, मैं वापस आ गया। टाइम पीरियड मान लो मेरा कितना है, कैपिटल टी। मैं ये प्रोसेस को रिपीट करता जाऊंगा, मैं फिर से राइट जाऊंगा, मैं फिर से लेफ्ट जाऊंगा, मैं फिर से मीन पे आऊंगा, टाइम टेकन कैपिटल टी। फिर इधर जाऊंगा, मैं फिर उधर जाऊंगा, मैं फिर सेंटर में आऊंगा, टाइम टेकन कैपिटल टी। इसका मतलब इट इज अ पीरियोडिक मोशन, कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैथ्स के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे, और सपोज जब मैं ये बात बता रहा था तो आप में से एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, वो कहते सर देखो मेरे को कुछ कुछ ये वैल्यू ना देखी लग रही है। कैसे देखी लग रही है, कि आप जीरो से स्टार्ट हो रहे हो ना, फिर आप 0.1 पे जा रहे हो, फिर करते करते आप मैक्सिमम 1 पे जा रहे हो, 1 के बाद आप 0.9 से होते होते वापस 0 पे आ रहे हो, 0 से करते करते -0.1 से वापस -1 पे आ रहे हो, और -1 से कम होते होते आप कहां पे आ रहे हो, वापस 0 पे आ रहे हो। मैंने मैथ्स में ये वैल्यू देखी हुई है, आपने भी देखी होगी, और वापस आपकी वैल्यू जीरो से फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, मतलब ये चक्कर घूमता रहेगा। हाँ देखिए साइन थीटा का ग्राफ है, साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है एंगल पुट करो, आप अगर मान लो साइन थीटा में थीटा पुट करो, जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, थीटा बढ़ाओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 90 डिग्री तक ले जाओ, फिर 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 तक ले जाओ,
फिर 190 डिग्री 200 डिग्री 270 तक ले जाओ, फिर 360 तक ले जाओ, तो 360 के बाद तो साइकिल फिर रिपीट हो जाता है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट समझते हैं कि अगर मान लो जो आपका साइकिल है वो पहले 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में, तो ऐसे ही करते हैं ना, तो साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं और वो वापस माइनस सेम 0.11 करते 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 वापस जीरो पे। और अगर आप एंगल 360 डिग्री से एक्सीड कर दोगे तो फिर से आप कहां पर आ जाओगे, जीरो पे, जीरो से घूम के वापस जीरो पे। ज्यादा क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है यहां तक? चलो मेडिकल के अंदर से ठीक है, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आएगी तो प्लीज क्लास के बाद या पहले जैसे भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मैथ्स यूज होगा, तो आप ये मत समझना कि बाकियों को भी ऐसा फील हो रहा है, बाकियों को उल्टा इससे भी कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि ये लोग मैथ्स में ये चीजें करके आए हैं, तो इनके ऊपर मत जाना जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इनको फिर भी जल्दी समझ आएगा एज कम्पेयर टू मेडिकल के स्टूडेंट, ठीक है ना। तो प्लीज स्पेशली इस चैप्टर में रिक्वेस्ट है कि पूछते रहना कि ट्रिग्नोमेट्री और जहां पर मैं बोलूंगा ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन्हें क्या करना क्या है मैं आपको बता दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हिसाब से लेके चलूं। तो यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्यों साइन थीटा को यार बीच में लेके आ रहे हैं, पता है क्यों? देखो मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस है, सपोज करो एक मिनट के लिए कि एक पार्टिकल मूव कर रहा था। कैसे मूव कर रहा था? किसी स्टूडेंट ने बोलना शुरू किया कि जब एक्स की वैल्यू जीरो थी वाई भी जीरो था, एक्स की वैल्यू वन थी वाई भी वन था, टू थी तो टू था, थ्री थी थ्री थी, फोर है तो फोर, फाइव है, x is equal to y, ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है which is equal to x equal to y, बस तू मेरे को इक्वेशन बता दे, मैं वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा। देखो काम कितना आसान हो गया, अब कोई भी x की वैल्यू लेगा 5 तो y की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या जाएगी 5, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब देखो ना कितना कंफ्यूजिंग है कि सपोज करो अगर मैं सड़क पे ऐसे ही चलता रहूं, कैसे, जैसे मैं चल रहा था कि सपोज ये ग्राउंड है, ये जीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है, सोचो मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक। अब टाइम टेकर मेरा हर चक्कर का सपोज 2 सेकंड है, हर चक्कर का फिक्स्ड है, 2 सेकंड में चक्कर पूरा करना ही करना है। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि ये बताओ अगर आप ऐसे मूव करते रहे 2 साल के बाद एग्जैक्टली आपकी पोजीशन कहाँ होगी, या 2 ईयर्स 7 घंटे के बाद, 2 साल 7 घंटे 7 मिनट 7 सेकंड के बाद आप कहां खड़े हो गए बताओ? मैं क्या करूं, आपको हाथ में घड़ी दे दूं और खुद मूव करता रहूं ताकि आप 2 साल के बाद हम उठेंगे और तब देखेंगे तो मैं कहां खड़ा? नहीं, ये तो बड़ा तो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना हुआ। हमारे पास कुछ मैथमेटिकल सोल्यूशन होना चाहिए जिससे हम निकाल सकें कि एग्जैक्टली उस पार्टिकल की पोजिशन कहां होगी। बात समझ में आ रही है? कल एक जो अभी स्टूडेंट ने कल मेडिकल के स्टूडेंट ऑब्वियसली मेडिकल का पूछ सकते हैं, वो पूछता है कि सर क्यों साइंस थीटा को बीच में लेके आ रहे हो, वैसे ही बता दो ना कि ऐसे से घूम रहे हैं, ऐसे कैसे बता दें? तो फिर मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि बता फिर, अब इसका आंसर अगर तू दे देगा तो ठीक है हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आंसर कौन देगा? 2 साल वेट कौन करेगा? हमें तो अभी 1 सेकंड में आंसर चाहिए। अगर 1 सेकंड में चाहिए तो आपको साइंस थीटा को स्टडी करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे आंसर 1 मिनट में आएगा। अब सपोज एपी और पीरियोडिक फंक्शन में फर्क नहीं होता, ऐसे कैसे कर लो? ना मैं आपको स्पीड दे रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा, एपी किसकी लगाओगे? डिस्टेंस की? नहीं यार, ना 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 ना, नहीं नहीं, एपी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है यार, चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीटेशन मीन पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन मैथ में सिर्फ 2 ही है, साइन एंड कॉस, उसके अलावा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एपी हर चीज का, एपी तो ऐड करती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, यहाँ तो चीजें कम भी हो रही हैं। नहीं नहीं बोलो, डिवाइड करने वाला सोल्यूशन होता तो एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो डिवाइड करके करके दिखाइए। नहीं होगा डिवाइड करके, नहीं होगा। चल तेरा क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रख लिया, मैं तेरे को तेरा क्वेश्चन दूंगा जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मेरे को आंसर बताइए डिवाइड करने से, फिर मैं प्रूव करूंगा फिर आंसर गलत आएगा नहीं आएगा। ओके अब मैं सेटिस्फाई होगा इस बात को लेके कि चलो मुझे मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि जीरो से लेके वन माइनस वन अगर कोई वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो बीच में
जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो से वन है, जो जीरो से सपोज मैं वन ले रहा हूँ और फिर मैं माइनस वन ले रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चलता रहूंगा तो मुझे साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं जो भी होती हैं जीरो से लेके माइनस वन से लेके वन से लेके घूमती रहती हैं, तो मेरे को मेरी मोशन इससे रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक, तो मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है मैं उसकी बात मानूंगा और मैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है मैं बोलूंगा स्टूडेंट को क्लास में जाके कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हैं। तो ठीक, सोचो मैं क्लास में आया अभी और मैंने बोला कि देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे साइन थीटा की वैल्यूज हैं, साइन थीटा की वैल्यूज हैं वन से लेके माइनस वन से लेके वन से लेके माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने ये पूछ लिया, इसको मैथ्स नहीं आता था, सर थीटा तो बताओ क्या है एग्जैक्टली। स्टूडेंट ने क्या पूछा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किसी ने ये पूछ लिया कि सर थीटा बताओ क्या लूं, मैं तो सड़क पे चल रहा हूं तो मैं कौन सा एंगल लूं। जब मैं सड़क के साथ बना रहा हूं मेरे एंगल चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, इससे डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना देना नहीं। चलो इसको सस्पेंस रहने देते हैं 2 मिनट, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में दूंगा, पहले एक और एक्सपेरिमेंट कर ले। सपोज करो मैंने एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया, एक स्प्रिंग ले लिया मैंने और ये अनस्ट्रेच्ड है, ठीक, इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया ये रहा और छोड़ दिया, ये स्प्रिंग यहां पर आया, यहां से चला यहां पर आया, फिर कंप्रेस हो गया यहां पर आया फिर यहां पर आया, ठीक। और मान लो ये पूरे का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब जाना मीन्स वन, आना मीन्स वन टू थ्री फोर, चार तरीके हो गए ना, एक दो तीन चार। तो इस पूरी प्रोसेस को रिपीट करने में लेट्स से टाइम टेकन कितने हैं, कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है था। और जब मैंने स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट देखी, जब मैंने देखा स्प्रिंग अपने डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर रहा है, ध्यान से देखो इधर, तो उस केस में लेट्स से ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर 0.1, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1 से लेके कितना यहां तक -1, फिर -1 से लेके कितना 0, तो वही बात होगी मैथ्स वाली कि 0 से लेके 1, 1 से लेके 0, 0 से लेके -1, -1 से लेके 0, तो कहानी रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट किसी को इसमें, तो ये प्रोसेस इज रिपीटिंग। तो फिर किसी ने कहा मैथ्स के स्टूडेंट ने, नहीं सर आप एक काम करो इसके डिस्प्लेसमेंट ऐसी है जैसे साइन थीटा की वैल्यूज है, तो आप स्टूडेंट को ये बोलो x is equal to sin theta की वैल्यू है। अब थीटा कहां है, फिर से एक बार थीटा क्या लूं, स्प्रिंग का कौन सा एंगल है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये पॉइंट भी क्लियर है, फिर से क्वेश्चन वहीं अटक गया आके थीटा एंगल पे, समझ आ रहा है यहां तक। तो अब मैं आपको आंसर देने वाला हूं ये थीटा बीच में कैसे आ रहा है। एक्चुअल में हमने मैथ्स की हेल्प ली है कि हम अपनी डिस्प्लेसमेंट्स को अगर साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो मेरी जो पीरियोडिक कैलकुलेशंस हैं वो बहुत अच्छे से कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 के बाद 0.9, 0.8, 0.7, -1 और पता नहीं क्या कुछ, बस एक साइन थीटा बता दो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट अपने आप कैलकुलेट कर ले, याद है क्लियर है ठीक। तो अब थीटा क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, दुनिया की कोई पीरियोडिक मोशन हो, चाहे वो स्प्रिंग की हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम की हो, सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक है, एक इधर जाना, दो तीन चार, टाइम टेकन कैपिटल टी, फिर एक दो तीन और चार, टाइम टेकन कैपिटल टी, तो चार क्वाड्रेंट्स पूरा करता है वो भी, तो ये भी मान लो एक पीरियोडिक मोशन है, ज्यादा क्लियर है। तो दुनिया की कोई पीरियोडिक मोशन ले लो, चाहे मैं चलना शुरू कर दूं, चाहे पेंडुलम चले, चाहे स्प्रिंग चले, चाहे कुछ भी हो, उसको साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज साइन थीटा भी मैथ से पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, ये चीज क्लियर है। मेरे को सिर्फ एक ही पीरियोडिक मोशन आती है और वो कौन सी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मेरे को तो और कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है, तो मैं काम करता हूं
जितनी भी पीरियोडिक मोशंस हैं दुनिया में, चाहे वो स्प्रिंग की, चाहे वो मैन के चलने की, जैसी मर्जी, उनको कंपेयर कर लेते हैं हम विद सर्कुलर मोशन। कंपेयर करना है, मन में कंपेयर करना है। स्प्रिंग सर्कल में नहीं घूमेगा, मैं सड़क पे चल रहा हूँ पीरियोडिकली, मैं सर्कल में नहीं घूमूंगा। कंपेयर करना है कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ठीक, मैं अपनी मोशन को देखो कैसे कंपेयर करने वाला हूँ। सपोज मैं कैसे चल रहा था, मैं जीरो से लेके वन पे आ रहा था, मैं वापस माइनस वन पे आ रहा था एट जीरो। ध्यान से देखना, अगर मैं, ये मेरी मीन पोजीशन है और ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी मेरी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ध्यान से कंपैरिजन ध्यान से देखना, अगर मैं मीन पोजीशन पे हूं तो सर्कुलर मोशन में मैं यहां पर हूं, हमेशा यहीं पर हूं। मीन पोजीशन सर्कुलर मोशन में हमेशा राइट साइड पे रहेगा, ठीक हो गया यहां तक। अगर मैंने चलना शुरू कर दिया जीरो से वन की तरफ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो देखो मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज 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 एंड मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है यहां तक। मींस कि अगर सपोज जीरो से 0.1 हो रहा है, फिर 0.5 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, तो ये देखो जीरो से 0.1 भी हो रहा है, जीरो से 0.3 भी हो रहा है, 0.5 भी हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सपोज 1। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वापस आ रहा हूं 1 से 0, तो देखो 1.9, 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0। मतलब कि जब मैं यहां पर हूं समझो मैं यहां पर हूं, जब मैं यहां पर हूं समझो मैं यहां पर हूं, जब मैं वापस घूम के यहां आ गया समझो मैं यहां आ गया, फिर मैं कहां गया माइनस वन पे, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड नेगेटिव साइड इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई और कितनी होगी माइनस वन हो गई, और फिर मैं घूम के वापस आ गया जीरो पे, तो देखो माइनस वन से मैं कहां पर आ गया। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सही है ना। तो जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर बस ग्राउंड पे ले रहा हूं, सर्कुलर मोशन में मैं क्या ले रहा हूं वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है। और अगर मैंने फिर से सड़क पर चलना शुरू कर दिया वन से माइनस वन के बीच में, तो समझो सर्कल में मैंने घूमना शुरू कर दिया, घूम नहीं रहा हूं सर्कल में, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं। कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो तो समझना कितना आसान हो जाए, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। फिर एक बार देखते हैं, अगर सपोज करो, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लू जो कि मेरा स्प्रिंग का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग के केस में हमने क्या किया था, अभी केस में पहले एक्सपेंशन थी, स्प्रिंग के केस में पहले मान लो स्प्रिंग पहले मीन पोजीशन पे था, स्प्रिंग कहां पर आ गया एट एक्सट्रीम, यहां पर आ गया, जब वो मीन पे है, मीन पे है तो समझो पार्टिकल यहां पे है, ठीक है ना। यहां तक पोजीशन ले लो, मान लो ये वन है तो ये पोजीशन भी वन है, फिर स्प्रिंग टू पोजीशन पे आ गया, तो स्प्रिंग यानी कहां पर आ गया इस पोजीशन पे आ गया। देखो ना स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 7, 8, 1। फिर स्प्रिंग कहां गया वापस आ गया, स्प्रिंग वापस आ गया, मतलब देखो ना जब स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ये रिवो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई, फिर स्प्रिंग मैक्सिमम वन डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, मींस ये वन हो गया वन, फिर स्प्रिंग कहां पर आ गया वापस आ गया, जब वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कम 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 हो रही है, जीरो हो गई, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया अंदर की तरफ डिस्प्लेस कर गया, उल्टी तरफ अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, लेट से माइनस वन तक, और फिर स्प्रिंग वापस ओरिजिनल पोजीशन। तो ये चीज क्लियर है, तो यानी कि अब अगर एक पीरियोडिक मोशन है स्प्रिंग का खुलना और बंद होना, तो सर्कुलर मोशन में मैं इसको क्या कर सकता हूं कंपेयर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं पेंडुलम का, पेंडुलम का यहां से यहां जाना वापस आना फिर यहां आना और फिर वापस आना पीरियोडिक मोशन है मान लो। इस पूरे चैप्टर में हम पीरियोडिक मोशन ही स्टडी करेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन को स्टडी कैसे करोगे। देखो मेरा आंसर दो, मैं इस दीवार को टच करके वापस आता हूं 2 सेकंड में, मैं अगले चक्कर में गया वापस आया 2 घंटे में, मैं अगले चक्कर में गया वापस आया 10 घंटे में, तो बोलो चौथे चक्कर में कितनी देर में वापस आऊंगा। नॉन पीरियोडिक मोशन है ना, तो ऐसी मोशन को सॉल्व कैसे करोगे, नहीं करोगे। तो कौन सी मोशन सॉल्व कर सकते हो पीरियोडिक, तो इसलिए पीरियोडिक मोशन को तो सॉल्व किया जा सकता है, नॉन पीरियोडिक का कोई भरोसा नहीं किया होगा, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं जिसको किया जा सकता है, तो देखो
सपोज ध्यान से देखना, पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद सर्कल, तो जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे है तो समझो सर्कल में कहां पर है, यहां। पेंडुलम एक्सट्रीम पे चला गया, यहां पर आ गया। पेंडुलम वापस मीन पे आ गया, वापस यहां पर आ गया। पेंडुलम यहां चला गया, यहां पर आ गया। और पेंडुलम वापस आ गया, तो यहां। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? बहुत आराम से, बहुत स्लोली, बहुत तरीके से SHM एंड वेव्स करेंगे, क्योंकि इनमें अगर गड़बड़ हो गई ना तो चल रहे थे तो कौन सा एंगल, पेंडुलम मूव कर रहा है तो कौन सा एंगल, प्लीज पेंडुलम के केस में ये एंगल मत बोल देना, ना बिल्कुल भी नहीं, नहीं ये एंगल नहीं, तो कौन सा एंगल जो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, स्प्रिंग मूव कर रहा है तो कौन सा एंगल, चलो इसका आंसर दे देते हैं एंगल का। देखो अब ध्यान से देखना, एंगल जब हम हर मोशन को सर्कल में कंपेयर कर ही रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में हमने किया भी था, कोई पार्टिकल अगर यहां से यहां आ जाए उसका स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, थीटा बाय ओमेगा टी। वी आर ओमेगा को प्रूफ के अंदर यूज तो किया, ओमेगा टी अब भूल गए हो, कोई बात नहीं अभी याद कर लो, मैं फिर से बताऊंगा आपको ऐसा मैंने क्यों लिखा, हम ओमेगा टी क्यों लिखते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, आपको ये ओमेगा टी समझ नहीं आया और आप सपोज के एंगल कितना ले रहे हो, इतना तो समझ आ रहा है कि अगर एक चक्कर पूरा इसका पूरा हो जाता है, वन कंप्लीट सर्कल, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा टी, और सेंटर पे एंगल कितना कवर हो जाएगा, टू पाई। अगर वन होगा तो टू पाई बाय टी, और अगर मान लो यहां से यहां आने में टाइम टी लगा उसे, तो टी टाइम में कितना एंगल कवर हो गया, टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और हमने ये सर्कल में पढ़ा हुआ है टू पाई बाय टी का मतलब, ठीक बोला ना मैंने, तो एंगल किसी भी इंस्टेंट पर कितना आ रहा है, ओमेगा टी। ठीक, अब कोई तेज घूमेगा ओमेगा ज्यादा होगा, एंगल भी जल्दी जल्दी कवर होंगे, बड़े बड़े कवर होंगे, अगर कुछ स्लो घूमता रहेगा तो ओमेगा टी कवर ही नहीं होगा उससे। ठीक है यहां तक पे कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, अब देखो है? तो इसमें सर्कुलर मोशन में हम स्टैंडर्ड किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या लेने वाले हैं, एट टाइम टी ओमेगा टी, करके देख लो, जब टाइम जीरो था मीन पोजीशन पे थे तो एंगल क्या था, जीरो। जब टाइम लेट से टी बाय फोर हो गया, देखो पूरे चक्कर का टाइम अगर कैपिटल टी है तो इस वन फोर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा, टी बाय फोर, तो एंगल कितना कवर होगा, ओमेगा इंटू स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर देना है, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय इंटू टी बाय फोर, कितना आ गया पाई बाय, आपको ये तो मैं ओरली निकाल दूंगा पाई बाय टू, तो निकालो ओरली पाई बाय टू हो गया, इसका मतलब मेरा एंगल तो सही है ना जो मैं कर रहा हूँ। और सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस पॉइंट पर एंगल कितना कवर हो गया सेंटर पे, तो ऑब्वियसली यहाँ का टाइम कितना हो गया आने का, टी बाई टू, पूरे चक्कर का टी, तो आधे चक्कर का टी बाई टू, तो ओमेगा इंटू टी बाई टू सोल्व करना, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू कितना आ गया पाई, सही है ना,
अब आप कहोगे ये तो हम वैसे भी निकाल लेते, आप ये तो निकाल लेते लेकिन आप बीच का एंगल कैसे निकालते, वो थोड़ा निकाल सकते हो आप। तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कितना ओमेगा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, अब एंगल्स क्या लेने पड़ेंगे, एंगल जो लिए जाते हैं चाहे मैं सड़क पे मूव करूं, चाहे पेंडुलम को मूव करवाऊं, चाहे स्प्रिंग को मूव करवाऊं, एंगल आपने अपने मन में सर्कल के सेंटर पे लेके चलने हैं। कोई एंगल नहीं बना रहा जब मैं सड़क पे चल रहा था, स्प्रिंग कोई एंगल नहीं बना रहा, पेंडुलम कोई एंगल नहीं बना रहा, ये तो हमारी सिर्फ अजम्पशन है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद सर्कुलर मोशन, और अगर हम उसे सर्कल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंटर पे क्या बनेंगे, एंगल, और वो हेल्प करेंगे आपको कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्योंकि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं कंपेयर उसको सर्कुलर मोशन के साथ कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन में एंगल कवर हो रहे हैं, तो वो एंगल से आई कैन कैलकुलेट माय डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, सपोज करो एक मिनट के लिए मैं ऐसे ही चल रहा था जैसे मैं चल रहा हूं जीरो से लेके वन, वन से लेके माइनस वन के बीच में, तो मैंने अपने आप को कंपेयर कर लिया कि मेरी जो मोशन है वो सर्कल के साथ, अपने मन में कंपेयर कर ली, एक्चुअल में तो मैं सर्कल में नहीं मूव कर रहा, तो मेरे को एक चीज पता लगी कि अगर मैं मीन पे हूं यानी कि मैं यहां पर हूं, और मेरा पूरा चक्कर कंप्लीट होता है कितनी देर में, 30 सेकंड में, ये भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक। अब सपोज करो किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि सर आप ये बताओ कि आप 2010 जो भी कोई भी बड़ी फिगर ले लो 200010 सेकंड के बाद कहां पे हो गए? अब देखो एक्सपेरिमेंट तो करूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो किसी भी इंस्टेंट पर टी टाइम में मैं कितना एंगल बनाता हूं, ओमेगा टी, तो मैं एक काम करता हूं इतने टाइम पे पहले एंगल निकाल लेता हूं कि उस इंस्टेंट पर मेरा एंगल क्या होगा, कैसे, ओमेगा इनटू टी से, स्मॉल टी की वैल्यू तो मैं पुट कर लूंगा 200010, ओमेगा मुझे मालूम होगा 2π बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, मान लो मैंने एंगल कवर कर लिया यहां तक एंगल कवर। सोचो अगर मैं आपको एंगल बता दूंगी, मान लो मैं इस इंस्टेंट पर था उस टाइम, एंगल आपको पता है, रेडियस आपको पता है मेरा 1 है, तो y निकालना है आपको, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, y डिवाइडेड बाय 1 मिनट में y आ जाएगा, क्योंकि थीटा तो हम निकाल चुके हो। तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था हमसे इतने हजार सेकंड के बाद मैं कहां आऊंगा, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं विद सर्कुलर मोशन। आइडिया पता लगा कि साइन थीटा, ये आधे घंटे से मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइन थीटा क्यों लेके आया हूँ, चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया, खुला ही नहीं, अभी खुलेगा भी नहीं एक लेक्चर तक, ये भी सुन लो, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही खेलते रहना है, और जब चैप्टर चलेगा फिर एकदम स्मूथ चलेगा, उसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही हम इस चैप्टर को समझेंगे। मैंने ये बताया कि इतने टाइम पे मैं कहां पे आऊंगा, अब मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस, तो अगर मैं इतने टाइम पे एंगल बता दूं ये थीटा तो वाई निकालना है ना, ये मुझे पता होगा, थीटा मैंने निकाल लिया ओमेगा टी से, आंसर आ गया वाई। ठीक, याद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि इस तरीके से कर सकते हैं, वैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, अब मैं आगे वो उसका आंसर दे रहा हूं। देखो इसने बोल ही दिया, कोई स्टूडेंट अपने मन में कोई सोच रहा होगा, किसी ने बोल दिया कि सर आप डिस्टेंस वन ही क्यों ले रहे हो, हमेशा 5 रेडियस में नहीं घूम सकते क्या, आप जब सड़क पे चल रहे हो तो क्या आप हमेशा 1 डिस्टेंस कवर करोगे, 5 डिस्टेंस कवर करो, इधर से भी 5 चलो इधर से भी, कोई बात नहीं, जब यहाँ 1 था यहाँ 0 था यहाँ -1 था, आपने 5 कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैंने भी क्या किया, हर वैल्यू को, जैसे 0.5 था, हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना, मैंने 5 से, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं किया, मेरे को 1 और -1 को सॉल्व करना तो आता ही है ना, अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 5। तो सर्कुलर मोशन में भी अब जो रेडियस होगा वो 1 नहीं होगा, अब रेडियस कितना होगा, 5 रेडियस में घूमना शुरू कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, कोई डाउट किसी को इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हम कैसे डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे ले रहे हैं, संचय समझ आ रहा है यहां तक? माइनस का मतलब तू क्वाड्रेंट की इस तरफ चल रहा है, प्लस का मतलब इधर चल रहा है, नहीं मैं समझा नहीं तेरा क्वेश्चन क्या है, थीटा में एंगल में प्रॉब्लम है, ओमेगा टी तू कह रहा है कि जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि तू इस क्वाड्रेंट में चल रहा है,
क्लियर है ना, ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वन कैसे कर, वन होती है, आपने पांच कैसे कर दी। देखो मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं पांच कर रहा हूँ, मैंने ये एंगल तो लिया ही हुआ था ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वन, तो मैं इसको पांच से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बन गई, फाइव इंटू साइन थीटा की वैल्यू तो वन और माइनस वन के बीच में है, ज्यादा से ज्यादा वन कर दोगे, वन इंटू फाइव फाइव, माइनस वन इंटू फाइव फाइव, हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सही कहना यहाँ तक, यानी कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज गिवन बाय फाइव इंटू साइन थीटा, थीटा थीटा मत बोलो यार, यहाँ पर ना ओमेगा टी करो पहले, अब कोई थीटा थूटा कुछ नहीं, अब ओमेगा टी, और ये एंगल एंगल मत बोलो, मैथ्स की क्लास में बोलना एंगल, फिजिक्स क्लास में क्या बोलेंगे, फेज, नाम नया रखेंगे यार हम, ठीक, हम एंगल क्यों बोलेंगे, तो इसलिए मैथ्स में एंगल बोलते हैं और फिजिक्स में हम SHM में इसको क्या बोलते हैं, हर बुक फेज यूज करेगी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि फेज क्या चीज आ गई, एंगल ही होता है, पर क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सर्कल में, हम बोलते हैं कि अगर हमारा फेज चेंज हो गया पाई बाय टू, मान लो मैं मीन पोजीशन पे था, मैं मीन पे था, मेरा फेज चेंज हो गया पाई बाय टू, यानी कि मैं यहां पर आ गया और एक्चुअल मोशन में मैं यहां से यहां आ गया, मेरा फेज चेंज हो गया बाय पाई, यानी कि मैं यहां जाके यहां आ गया, चलो सर्कल के अंदर मैं यहां से यहां चला गया, सेंटर पे एंगल कितना है पाई, पाई, यानी कि एक्चुअल मोशन में मैं यहां से टच करके वापस आ गया, फेज चेंज ऑफ पाई। सपोज मेरा फेज चेंज हो गया बाय टू पाई, टू पाई का मतलब जहां से स्टार्ट हुए थे वापस आ गए, एक्चुअल मोशन में यहां से स्टार्ट हुए थे इधर इधर इधर, इन शॉर्ट जब कोई पार्टिकल एक जर्नी कंप्लीट करता है वन फोर जर्नी, उसका फेज पाई बाय टू चेंज होता है, सेकेंड फेज पाई बाय टू, थर्ड फेज पाई बाय टू, पाई बाय टू, टोटल बिकम्स टू पाई, पॉइंट क्लियर है यहां तक। और फाइनली फाइनली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है पांच तक, डिस्प्लेसमेंट पहले एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी, मैक्सिमम कितनी हुई पांच, तो फाइव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप एक तो हम यूज करोगे, एक ही बात है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, साइन के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो उसका एम्पलीट्यूड, कोई डाउट यहां, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट टाइम, अब सोचो, और जो लोग आज नहीं आए, मैं बोल रहा था कि मैं जब तक स्टार्ट करूंगा, फिर भी जस्ट कर लेना यार क्लास।